दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे को इस गाड़ी को लिए हुए करीबन अब 8 महीने हो गए हैं और ये 13,000 समथिंग किलोमीटर्स चल गई है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आने लगी है, वो है पावर विंडोज़ की। पावर विंडो में क्या दिक्कत आ रही है कि ड्राइवर सीट पे जो भी विंडोज़ हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं और वहाँ से सारी विंडोज़ ठीक कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन जो भी बाकी की 3 विंडोज़ हैं वो इंडिविजुअली काम नहीं कर रही। तो अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये जो इशू आ रहा है गाड़ी में ये है ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स। तो अगर मैं इससे अपनी साइड की विंडो खोलता हूँ तो कोई इशू नहीं है, ये खुल जाती है और ये आराम से बंद भी हो जाती है। अब मैं अपने जो पैसेंजर है उसकी विंडो अगर खोलूँ तो ये देखेंगे आप, ये भी खुल रही है, ये बंद हो रही है, लेकिन ये यहीं से कंट्रोल हो रही है। अब यही चीज़ मैं यहाँ से करके देखता हूँ, ये देखो, ये इसका शायद स्विच ही ख़राब हो गया, ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा। और ये इस वाले डोर में ही नहीं बल्कि पीछे के दोनों दरवाज़ों में ये पावर विंडो का ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैं इसको दिखाने जाऊँगा सर्विस सेंटर, फिर देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो जी, कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पावर विंडोज़ का इशू, आज सुबह सुबह मैं निकला हूँ मारुति के सर्विस सेंटर में गाड़ी देने, तो देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं और ये कितनी जल्दी सॉल्व होता है और इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं या नहीं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं जा रहा हूँ नारायणा के मारुति सर्विस सेंटर। पहुँच ही गया हूँ, लगभग रेड लाइट पे हूँ, तो मैंने सोचा एक अपडेट वीडियो सा बना लूँ। हाँ जी, सर्विस नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है वो दिखाना है, पावर विंडो में दिक्कत है। नहीं तो 7 बजे ओपन नहीं होता, हो गया सर, ओपन हो गया। तो कोई है नहीं अभी, एडवाइजर से बात कर लेना सरकार साहब, आपसे बात हुई है तो अब पर्चे बना दूं। नहीं तो अभी मैं सर्विस सेंटर में गाड़ी दे के आ चुका हूँ। एक्चुअली उनके जो टाइमिंग्स हैं वो मेंशन तो किए होते हैं 7 बजे से, बट उनके जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो 9 बजे आते हैं, और अगर आपको गाड़ी सर्विसिंग वगैरह के लिए देनी है तो आप 7 बजे जाके दे सकते हैं। वहाँ कुछ स्टाफ होता है उनका, जो भी गाड़ी आई होती है उनको कैटर करता है, बट जैसे मेरा तो इशू था तो उसके लिए जो टेक्नीशियंस हैं वो 9 बजे ही आते हैं, वो 7 बजे नहीं आते। हालाँकि उन्होंने चेकअप वगैरह कर लिया, गाड़ी ले ली और फिर मेरे को ये भी बोला कि मोस्ट प्रोबेबली वो गाड़ी भेज देंगे, मेरे को दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपका सर्विस सेंटर से वो भी मैटर करता है, अगर उतना नहीं है तो वो भेज देते हैं। और एक और चीज़ मेरे को उन्होंने बताई कि मेरी डिक्की में जो है, मैं जब वापस आ रहा था तो मेरे जो सर्विस एडवाइज़र है उनका फ़ोन आया कि मेरी जो डिक्की है उसमें पानी भरा हुआ है। डिक्की मतलब वैसे पानी नहीं है बट जो स्टेपनी है डूबी हुई है, तो एक चीज़ वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो आनी नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी में अगर पानी जा रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से जा रहा है, तो ये भी वो चेक करके बताएंगे। और मैं इसकी अभी फ़ोटो भी आपको उनसे मांगी है मैंने कि जो पानी भरा हुआ है उसकी फ़ोटो, तो वो भी मैं अभी यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो जी, गाड़ी मैंने ले ली है, अभी बज रहे हैं रात के 8। एक चीज़ अच्छी है कि ये जो सर्विस सेंटर्स वगैरह हैं ये थोड़ा लेट नाइट तक खुले रहते हैं, लेट नाइट इन द सेंस 9, 9:30 बजे तक खुले रहते हैं, तो आप 9 बजे तक आके अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली अब हर कोई वर्किंग ही है ज़्यादातर, तो ऑफिस लेट छूटता है और घर आते आते अगर आप NCR में काम कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटा आने में तो करीबन 7-8 तो बजे जाते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि थोड़ा लेट तक खोलते हैं। बाकी सर्विस सेंटर्स का मेरे को नहीं पता और बाकी कंपनीज़ का भी नहीं पता, लेकिन हाँ इसका थोड़ा कन्वीनियंट लगा मेरे को। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी में एक्चुअल में हुआ क्या क्या। तो 2 इशू थे, एक इशू मुझे पता नहीं था और दूसरा इशू मुझे पता था। जो चीज़ पता थी वो ये थी कि जो पावर विंडोज़ हैं ड्राइवर साइड को छोड़ के वो काम नहीं कर रही थी इंडिविजुअली, मतलब अगर मैं पीछे बैठा हूँ या साइड में बैठा हूँ और अपनी विंडो अप डाउन नहीं कर पा रहा था मैं उसी के रिस्पेक्टिव साइड के बटन से, लेकिन वो विंडोज़ काम कर रही थी ड्राइवर साइड से, मतलब मैं यहाँ से अगर उसे ऑपरेट करूँ तो वो ठीक से ऑपरेट हो रही थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो उसका एक स्विच होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो वो फॉल्टी था या वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने वो 2 स्विच रिप्लेस किए। अब मेरी गाड़ी जो है अभी 7-8 महीने हुए हैं तो वारंटी में थी, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगा,
मेरे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, लेकिन जो एक स्विच की कीमत थी वो थी करीबन 218 रुपए। तो 400 450 में मेरे दो स्विच बदल ले जाते, लेकिन मेरी वारंटी में थी तो मेरा वो काम फ्री में हुआ। अब दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी देके, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि जी आपकी डिक्की में पानी भरा हुआ है, आपको पता है क्या? मैंने कहा कि नहीं जी मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि ना मतलब जब हम डिक्की खोलते हैं तो स्टेपनी मैंने देखी नहीं और ऊपर पानी था नहीं। तो वो कहते हैं जी स्टेपनी वाले एरिया में आपका पूरा पानी भरा हुआ है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा। मैंने उनसे बोला कि आप फ़ोटो या वीडियो कुछ भेजें, तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें भेज दी मेरे को। तो उसमें आप देख रहे हैं कि टायर जो है वो एक्चुअल में डूबा हुआ है। तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ उस स्पेसिफिक एरिया में पानी कहीं से पीप इन हुआ है। अब वो उन्होंने पता लगाया कि दो तीन जगह ऐसी थी जहाँ से पानी पीप इन हो रहा था, तो वो चीज़ उन्होंने फिर फिक्स करी। एक तो उन्होंने बताया कि टेल लाइट से पानी जो है वो साइड के थ्रू नीचे चला जाता है, जो कि उन्होंने फिक्स किया। अब ये मैं वेरीफाई तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं दोबारा उसमें पानी नहीं डालूंगा। अगर अब दोबारा बारिश होती है तो चेक करते हैं कि पानी दोबारा जाता है कि नहीं जाता। तो एक चीज़ ये पता लगी कि गाड़ी के बूट में भी आपका पानी जो है वो, अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसा इशू हो तो पानी चला जाता है। तो रेनी सीज़न में आप लोग भी चेक करते रहिए अपना जो बूट है, स्पेशली जो जहाँ पे स्टेपनी होती है तो वहाँ पे पानी जाने के चांसेस थोड़े होते हैं, अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो। तो ये दोनों चीज़ें थी जो कि आज मैंने ठीक कराई। अब गाड़ी को 7-8 महीने ही हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो या तो किसी के हिसाब से भी ये इशू आना नहीं चाहिए था, क्योंकि नई गाड़ी है और नई गाड़ी में अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इतनी जल्दी ख़राब हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये रेकरिंग इशू तो नहीं है कि एक बार ही फिक्स हुआ है तो हो सकता है कि अब दोबारा बार बार होए? तो उन्होंने कहा नहीं है ऐसा, और आजकल कई कई गाड़ियों में ये चीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा मेरे को कि मैन्युफैक्चरिंग में ही थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो मारुति सुजुकी को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपना जो क्वालिटी कंट्रोल है कि प्रोडक्शन यूनिट से गाड़ी जो है वो सही तरीके से, मतलब ऑल बॉक्सेस चेकड होके आए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस कोई गाड़ी को डिग्रेड करना या वो नहीं था, ये जस्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये प्रॉब्लम हुई और ये चीज़ भी हो सकती है करके, वो जो बूट वाला जो था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जैसा जैसा गाड़ी के साथ साथ होता रहेगा मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस भी दिए हैं। तो एक दो वीडियो मेरे पाइपलाइन में हैं, उसको मैं जल्दी से एडिट करके डालने की कोशिश करूँगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द लवली सपोर्ट विच यू गाइज हैव बीन गिविंग मी विद ऑल दोज लवली कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो मेरे को भी अच्छा लगता है उसको पढ़ना और फिर रिप्लाई करना। तो ऑलवेज कीप देम कमिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और इसे प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे। नमस्कार।